नमस्कार, मैं जया गुप्ता आज आपके लिए सफलता का मंत्र लेकर आई हूँ। आज हर व्यक्ति सफलता चाहता है, परंतु सबसे बड़ी समस्या आती कि सफल कैसे हों। लोग निरंतर काम करते रहते हैं, परंतु सफल नहीं हो पाते। सफल होने के लिए मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, फिर भी सफल नहीं हो पाते, एवरेज रह जाते हैं। बचपन और जवानी में देखे गए सपने धीरे धीरे चूर होने लगते हैं, फलस्वरूप फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, चिड़चिड़ापन हावी होने लगता है, सफलता दूर की कौड़ी लगने लगती है। लोगों को लगने लगता है कि सफलता नाम की चीज उनके लिए बनी ही नहीं है और वे सफल होने का प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। अब वे एवरेज भी नहीं रहते हैं। उसके बाद वे जिंदगी जीते नहीं है, जिंदगी काटते हैं, घसीटते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप निरंतर आगे बढ़ते रहो, नहीं तो आप पीछे धकेल दिए जाओगे। और यही लोगों के साथ होता है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि आगे कैसे बढ़े। कई लोगों को तो ये समझ ही नहीं आता है कि आगे बढ़ने के लिए करें क्या। तो आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र दे रही हूँ, एक ऐसा फार्मूला दे रही हूँ कि आप आज जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, इससे आपको आगे बढ़ने के रास्ते मिलते जाएंगे। इसे आप सफलता का मंत्र कह सकते हैं। पर मैं आपको सफलता का मंत्र बताऊँ, आगे बढ़ने का रास्ता बताऊँ, उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको हमारा वीडियो प्राप्त हो, उसका नोटिफिकेशन मिले और आप हमारे वीडियो को तुरंत देख सकें। अब मैं आपको सफलता का फॉर्मूला बताती हूँ। सफलता का फॉर्मूला बहुत छोटा सा और बहुत आसान सा है, पर काम करने के लिए तो बहुत लंबा समय लेगा। आप जो भी काम करें उसे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, अपने काम पे फोकस करें और ये आप एक नियम बना लें कि जो भी करना है बेहतर से बेहतर करना है, क्योंकि यही जीवन में आगे बढ़ने का मूल मंत्र है, सफलता का मूल मंत्र है, संतुष्टि का मूल मंत्र है और सेटिस्फेक्शन का मूल मंत्र है। यदि आप काम चोरी करेंगे, काम को टालेंगे, बला टालू स्टाइल में करेंगे, तो आप अपनी आदत को वैसी ही बना लेंगे। आप अपनी क्षमताओं को कम कर लेंगे, आप भविष्य के लिए अपने आप को कमजोर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि लगातार काम को टालते रहने से, काम चलाऊ स्थिति में करने से आपकी आदत में आ जाएगा कि आप काम को केवल काम चलाओ स्थिति में करेंगे। और इस कारण से जब कोई महत्वपूर्ण काम आपके सामने आएगा, लाइफ चेंजिंग टास्क आपके सामने आएगा, तो आप अपनी आदत के अनुरूप उसे भी काम चलाओ करेंगे, जिससे लाइफ तो नहीं बदलेगी बल्कि असफलता हाथ लगेगी और आप और निराशा के गहरे गड्ढे में जाते जाएंगे। अधिकांश लोगों के साथ यही होता है कि वे अपनी आदतें खराब कर लेते हैं और फिर उन्हें असफलता मिलती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने काम को एक्सपर्ट की तरह करने की कोशिश करें। यदि आप कोई काम नहीं कर सक रहे हैं तो उसे आउटसोर्स करवाएं, परंतु यदि कोई काम आप खुद कर रहे हैं तो उसे परफेक्शन के हाई लेवल पर करने की कोशिश करें। इसे अपनी आदत बना लें। आपको जो भी काम मिले, आपने पहले जो काम किया उससे और बेहतर करने की कोशिश करें। हर बार आप अपने लिए ही एक चैलेंज दें और जब ये आपकी आदत बन जाएगी तो जो भी काम आपके हाथ में आएगा वो काम मिसाल बन जाएगा। आपके कलीग्स, आपके एम्प्लॉयज, आपके कस्टमर, आपके फैमिली फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, सबके लिए वह एक मिसाल बन जाएगा और फिर आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं तो ऐसी रिपोर्ट बनाकर भेजिए कि आपके बॉस
आपकी तारीफ किए बिना न रह सके। यदि आप सेल्स में हैं तो आपको जो भी टारगेट मिलता है उससे ज्यादा सेल्स करने की कोशिश कीजिए। यदि आप किसी के साथ डील कर रहे हैं तो इस तरह से कीजिए कि सामने वाले व्यक्ति को वह सबसे बेस्ट डील नजर आए। यदि आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसे कहीं सबमिट करने वाले हैं तो ऐसा प्रोजेक्ट बनाइए कि वह एक बार में पास हो जाए और उस प्रोजेक्ट में उन्हें सामने वाले को उन्होंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा प्रॉफिट नजर आए। सीधी सी बात है, आप जो भी काम करें उसे परफेक्शन के हाई लेवल पे करें। आपको तारीफ तो मिलेगी ही, कस्टमर मिलेंगे, सेल्स मिलेगी, लोग आपसे प्रेरणा लेंगे, मोटिवेट होंगे और सबसे बड़ी बात है कि आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आप इसे अपनी आदत बना लें। एक ऐसे इंसान बनने का प्रयास करें कि आपके हाथ से पत्थर निकले तो वो सुंदर मूर्ति बने, कोयला निकले तो वो हीरा बन जाए। आप जिस काम में भी लगे, दिल से लगे। इवन यदि कभी आपको सफाई भी करनी पड़े तो ऐसे काम करें कि सफाई कर्मचारी शर्मा जाए। यदि कोई काम आपकी जिम्मेदारी में आता है तो उसे तो आप क्वालिटी और परफेक्शन के हाई लेवल पर करें ही, परंतु यदि कोई काम आपकी जिम्मेदारी में नहीं आता है और फिर भी वो आपको करना पड़ रहा है तो उसे भी आप क्वालिटी और परफेक्शन के हाई लेवल पर ही करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि परफेक्शन से काम करना आपकी आदत बन चुकी है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप यदि बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस को बढ़ा देंगे, बिजनेस आपका 10 गुना बढ़ जाएगा। एम्प्लॉय हैं तो आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलेगा। स्टूडेंट हैं तो आपका रिजल्ट बेस्ट हो जाएगा। एक वाकया मैं आपको ऐसा शेयर करना चाहती हूँ। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स, उनकी ऐसी आदत थी कि वे हर काम में क्वालिटी और परफेक्शन देखते थे। तो वो मोबाइल के अंदर के जो सर्किट होते हैं उन सर्किट तक को सुंदर डिजाइन करवाते थे। तो एक बार उनके एम्प्लॉय ने कह दिया कि सर अंदर का सर्किट कौन देखेगा, ऊपर की बॉडी दिखती है मोबाइल की। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं देखेगा, पर मुझे तो संतुष्टि मिलेगी कि मैंने अपना काम परफेक्शन के साथ किया। तो काम को परफेक्ट करने के लिए आप हमेशा तत्पर रहें। यदि आपको परफेक्ट काम करने के लिए किसी की सहायता लेनी पड़े तो अवश्य लें। सीखने का कोई मौका न छोड़े। सीखने में, पूछने में शर्म न करें। एक कहावत मुझे याद आ रही है, शायद वो इसी के अवसर के लिए बनी है, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। आपके अंदर हमेशा एक विद्यार्थी, एक लर्नर होना चाहिए कि जब भी कोई एक्सपर्ट आपको मिले आप उसे ऑब्जर्व करें, उसे देखें, सीखने की कोशिश करें कि वह अपना काम इतना अच्छा कैसे कर रहा है। अपने आप को परफेक्ट बनाने का कोई मौका हाथ से ना जाने दें। याद रखिए, जिस प्रकार टॉप की सीट हमेशा खाली होती है उसी प्रकार उत्कृष्टता की भी कोई सीमा नहीं होती है। उत्कृष्टता हमेशा आप बढ़ा सकते हैं। जो काम आप कर रहे हैं वही काम जब आप किसी और को अच्छे से करते देखें तो उसकी तारीफ भी कीजिए। साथ ही साथ खुद से भी कहिए कि मैं इस काम को इससे भी बेहतर करके दिखाऊंगा। अपना आइडियल सेट कर लीजिए कि मुझे इनसे आगे जाना है, और उसको सीखने में, खुद को ट्रेन करने में अपने आप को झोंक दो। जिद पकड़ लो कि मैं सबसे बेहतर बनकर रहूंगा। अपने परफेक्शन से काम करने की आदत डालो। ये ध्यान रखो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप हर काम करें। आप वही काम करें जो काम आपकी जिम्मेदारी में आता है, जो आपको पसंद है, जो आपको आगे बढ़ाता है। अर्थात जो काम आपके पसंद का नहीं है या जो आप नहीं जानते उसे ना कहना भी सीखिए। काम को आउटसोर्स कर लीजिए, परंतु जो भी आप करें उसे परफेक्शन के हाई लेवल पर करें। मिस्टर परफेक्शनिस्ट की तरह करें। परफेक्शन से काम करने की अपनी आदत बना लें। इसके लिए हमेशा सीखने को तत्पर रहें। आप फिल्म
इंडस्ट्री के मिस्टर आमिर खान को लो, उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाना जाता है। जब भी कोई फिल्म बनाते हैं वे, तो हर पहलू पे मेहनत करते हैं, चाहे एक्टिंग हो, डायलॉग डिलीवरी हो, स्टोरी हो, म्यूजिक हो, उनका फिल्म में बॉडी पोस्चर हो या उनका कैरेक्टर, और इसी कारण से उनकी हर फिल्म सफल होती है। और यह आदत हर सफल व्यक्ति में देखने को मिलती है, चाहे रतन टाटा या बिल गेट्स हो, उनमें भी यह आदत है। और इस मंत्र को यदि आप अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, जीवन में उतार लेते हैं, तो हर हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। आज का मंत्र है कि आप जो भी कार्य करें उसे परफेक्शन के हाई लेवल पर करें, पूरे दिल से करें, और इसे अपनी आदत बना लें कि मैं हर कार्य को बेहतर से बेहतर करूंगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। और यदि कोई एक व्यक्ति भी सफल होता है मेरे वीडियो को देखकर, तो मैं अपनी मेहनत सफल मानूंगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।